नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एटॉमिक ग्लोबल नेटवर्क टीम वॉरियर एटॉमी इंडिया में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एटॉमिक का जो आईडी प्लेसमेंट है वो कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें। 1 अक्टूबर से पहले जो रजिस्ट्रेशन चल रहा था उसमें पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों में से एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता था और वेरीफाई होता था, उसके बाद आपकी आईडी वेरीफाई होती थी। उसके बाद एटॉमी ने क्या किया, 1 अक्टूबर के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट था पैन कार्ड आधार कार्ड वो दोनों कंपलसरी कर दिया। पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों पे आईडी लग रही थी। फिर अभी एटॉमी ने क्या किया है, 14 नवंबर से पैन कार्ड कंपलसरी कर दिया है। एटॉमी में अगर आपको आईडी प्लेसमेंट करनी है तो पैन कार्ड कंपलसरी होना चाहिए। पहले आपका पैन कार्ड वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस और पासपोर्ट चारों में से एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसका फ्रंट पिक और बैक साइड का पिक आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, आईडी वेरिफिकेशन के लिए। जैसे आधार कार्ड अपलोड करना है तो आधार कार्ड का नंबर डालना है आपको और वहाँ पे फिर आपको आधार कार्ड का फ्रंट और बैक वो अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। सेम वोटर आईडी, सेम पासपोर्ट, सेम लाइसेंस, ठीक है। तो इस तरीके से एटॉमी में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, लाइव रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करके दिखाया जाएगा। ज्वाइन पे क्लिक करना है आपको एटॉमी में लॉगिन करने के बाद। ज्वाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन होगा आपके पास, ठीक है। तो इस पेज में आप देख रहे हैं राइट टॉप कॉर्नर में ज्वाइन लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। राइट साइड में जो भी वेबसाइट है, जितने भी कंट्री हैं, अभी एटॉमी 13 कंट्री में फुल्ली ऑपरेशनल चल रही है। किसी भी कंट्री के मेंबर को आपको ज्वाइन करवाना है तो उसको उसका जो साइट है राइट साइड से आप क्लिक कर सकते हैं, उस साइट के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन पे आपको क्लिक करना है राइट साइड में। जैसे ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो उससे पहले ये टर्म्स एंड कंडीशन है एटॉमी की, ठीक है। तो एटॉमी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको आपको फॉलो करना है फुल्ली, ठीक है। सबसे पहले इसमें यह बताया गया है कि फॉरेन मेंबर जितने भी जो ज्वाइन होंगे एटॉमी में एज ए कंज्यूमर मेंबर ज्वाइन होंगे जो भी है, और आईडी कार्ड उन लोगों का जो मेंबर रहेंगे इसमें उनको आपको आईडी कार्ड आपका यहाँ पे अपलोड करना होगा। और कंज्यूमर मेंबर विल नॉट एक्युमुलेट डाउन पे भी, इसका मतलब ये है कि अगर आप एटॉमी में भी ज्वाइन कर रहे हो तो एज ए कंज्यूमर मेंबर ज्वाइन करोगे और आपके डाउनलाइन का जो पीवी है, लेफ्ट और राइट का जो पीवी है, वो अभी एक्युमुलेट नहीं होगा, आपके टीम में नहीं दिखाएगा और उसका पे आउट भी नहीं मिलेगा आपको एज ए कंज्यूमर मेंबर अभी आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करने पड़ेंगे। और वन मेंबर आईडी पर पर्सन, एक आदमी यहाँ पे एक ही आईडी लगा सकता है, डबल आईडी आप अलाउ नहीं है यहाँ पे। और जो भी मैरिड मेंबर है, हस्बैंड और वाइफ है, यहाँ पे कपल की एक ही आईडी लगेगी, ठीक है, और वन मेंबर आईडी पर पर्सन। और अगर किसी की दो सिटीजनशिप किसी ने ले रखी है दूसरे देशों की तो उसकी भी एक ही आईडी लगेगी, ठीक है। और जो शादीशुदा लोग हैं वो केवल एक आईडी लगाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है फिर एग्री करके। जैसे आप एग्री करके क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है आपके पास ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको पूरी जानकारी डालनी है, नेशनलिटी में इंडिया आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पैन कार्ड नंबर डालना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो एटॉमी का सॉफ्टवेयर उसको वैलिडेट करेगा, वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर बढ़ पाओगे। तो मैं इसमें जो मेंबर है उनका एक बार पैन कार्ड डाल रहा हूँ। आपको कैसे पैन कार्ड डालना है, कैपिटल लेटर में आपको पैन कार्ड डालना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पैन कार्ड डालते हैं, पैन कार्ड कंप्लीट डिजिट में डालना है आपको यहाँ पर, ठीक है। और जैसे पैन कार्ड डालते हैं उसके बाद आप उसको रीचेक करना है। और राइट साइड पे जो वेरिफिकेशन का जो ब्लैक कलर का बॉक्स देख रहे हैं, उस ब्लैक कलर के बॉक्स पर फिर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस ब्लैक कलर के बॉक्स पर क्लिक करेंगे एक मैसेज रिफ्लेक्ट होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह का, वेरीफाइड सक्सेसफुली आपका पैन कार्ड सॉफ्टवेयर के ज़रिए वेरीफाई हो चुका है यहाँ पे। और इस पर ओके करना है आपको। जैसे ओके करेंगे तो जिस बंदे का जो पैन कार्ड है उसके नीचे उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। आप किसी का भी रजिस्ट्रेशन करोगे उसका पैन कार्ड नंबर डालोगे फिर वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो उसका नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। फिर आपको सेलेक्ट करना है मेल और फीमेल। और फिर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आपको आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इस चारों में से एक चीज़ सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। कोई भी आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड का नंबर डालना है, पासपोर्ट सेलेक्ट किया तो पासपोर्ट का नंबर। तो यहाँ पे ये आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया हमने, फिर आधार कार्ड का आपको नंबर डालना है जो भी यहाँ पे आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर है, XYZ जो भी नंबर है यहाँ पे आपको अपडेट करना है, डालना है। अगर आधार कार्ड है तो, अगर वोटर आईडी का नंबर है तो वोटर आईडी का नंबर डालना, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, नहीं तो पासपोर्ट नंबर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आईडी प्रूफ फिर आप सेलेक्ट करोगे उस आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रंट और बैक साइड उसका आपको अपलोड करना है। फ्रंट पेज अपलोड करना है, बैक साइड, फिर राइट कॉर्नर में ये जो चार बॉक्स देख रहे हैं इस पे आपको क्लिक करना है, टिक मार्क करना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। और निकनेम अभी कोई डाल नहीं रहा तो इसको आप छोड़ सकते हो ब्लैंक, इसमें अभी डालने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, फिर रिपीट पासवर्ड करना है, फिर गेस्ट पासवर्ड डालना है 6 से।
16 डिजिट में। गेस्ट पासवर्ड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे शॉपिंग करनी हो, किसी को यूजर आईडी का पासवर्ड आपने दे दिया और वो आपकी आईडी से शॉपिंग कर सकता है ओनली, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता उस आईडी में, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना 4 4 2 डिजिट करके, पहले में 4 फिर दूसरे में 4 तीसरे में 2, फिर पिन कोड और उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, ठीक है। 2 कॉलम एड्रेस के हैं और लास्ट का जो कॉलम है उसमें आपको ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी @सेंटर में इसका ध्यान रखना है आपको, और राइट साइड में आई एग्री पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद कंफर्म करना है। तो जैसे आप कंफर्म करोगे तो नेक्स्ट जो पेज होगा आपका वो इस तरह से आएगा। स्पॉन्सर आईडी, आपको जो आईडी प्लेसमेंट करनी है उस आईडी का स्पॉन्सर, जिसके डाउनलाइन में आपको प्लेसमेंट करनी है, आपकी टीम में जो लास्ट आईडी है लेफ्ट और राइट, उसका स्पॉन्सर आईडी यहाँ पे डालना है। जैसे स्पॉन्सर आईडी डालोगे तो सेंटर में एक विंडो ओपन होगा, उस विंडो में उस आईडी का नंबर और नाम आएगा, वो आपको कंफर्म करना है। जैसे कंफर्म करोगे तो यहाँ पे उस आईडी का नाम भी आ जाएगा और सेंटर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, सेंटर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरह का विंडो ओपन होगा, इसमें जो डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन की है, नाम, नेशनलिटी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, स्पॉन्सर आईडी, स्पॉन्सर नेम भी दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें अगर सही है तो डन करना है आपको। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपका जो मेंबर है उसका आईडी रजिस्ट्रेशन होकर के इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आईडी रजिस्टर भी हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है, आप लॉगिन करके अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। टीम वॉलेट से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और टीम वॉलेट से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। टीम वॉलेट एजुकेशन सिस्टम की पूरी सपोर्ट आपको नेशनली और इंटरनेशनली, इंडिया से बाहर भी आपको मिलेगी दोस्तों। और इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टीम वॉरियर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।